गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। जैसा कि सभी बच्चों पढ़ा रहे थे आपको चैप्टर जीवों में विविधता यानी कि डिवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आपको बता रहे थे कि विविधता क्या है। विविधता के बारे में भी हमने आपको बताया था कि उनके लक्षण, उनकी बनावट, उनकी आकृति, यानी कि जीवों में जो विविधता दिखाई देती है वही विविधता कहलाती है। उसके बाद हमने आपको उसका क्लासिफिकेशन बताया था, तो आज हम लिखेंगे अगली हेडिंग है जिसका नाम है वर्गीकरण के लक्षण। हेडिंग डाल लीजिए वर्गीकरण के लक्षण। वर्गीकरण के लक्षण। क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के लक्षण लिखेंगे। सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं। सजीवों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। जिनके आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले लिखेंगे कोशिका संरचना नंबर 1, यानी कि किसकी किसके आधार पर हो रहा है कोशिका संरचना। सिर्फ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे नहीं, ठीक है। कोशिका संरचना यानी कि क्या मतलब हुआ, यानी कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना अलग अलग होती है, और कोशिका की झिल्ली में कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्रक पाया जाता है। इन्हीं के कारण बहुत सारी क्रियाएं क्या होती हैं, तो इन्हीं के कारण कुछ अनुपस्थित होती है तथा कुछ अनुपस्थित होती है, तो ये हमारी क्या कहलाती है कोशिका संरचना। तो एक तो वर्गीकरण ये हो गया कि हमें कोशिका संरचना के आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। दूसरी हेडिंग है शरीर संरचना। शरीर संरचना देखिए, शरीर संरचना क्या है, यानी कि शरीर के आधार पर कि किसकी बनावट कैसी है ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो सबकी संरचना एक समान होती है नहीं होती। सारे जीव जंतु जो हम ब्रह्मांड में यहाँ पर देखते हैं वातावरण में, तो जितने भी जीव जंतु हैं सबकी संरचना, चाहे छोटे से लेकर बड़ा हो, सबकी संरचना कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो ये भी हमें वर्गीकृत कराती है, अलग अलग कर दिखाती है। तीसरी है पोषण। तीसरी है पोषण। अब देखिए पोषण क्या है, सभी जीव जंतुओं का पोषण अलग प्रकार से होता है। कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, कोई छोटा है फिर भी वह मांसाहारी है। जैसे छिपकली है, शाकाहारी की मांसाहारी है, मांसाहारी है ना, क्योंकि वह कीटों को खाती है। और एक छोटा सा पक्षी है, वह क्या करता है, हरी घास खाता है ना। उससे बड़ा पक्षी है वो भी हरी घास। अब जैसे बहुत बड़ा पशु हो, जैसे हाथी है, बहुत बड़ा है लेकिन है कैसा, शाकाहारी। उससे छोटा है टाइगर है लेकिन कैसा है, मांसाहारी, है ना। तो इनके पोषण के आधार पर भी हम इन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ स्वपोषी भी होते हैं, कुछ परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी होते हैं जैसे वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि जो उत्पादक होते हैं कुछ उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं। जैसे ग्रास ऊपर है, चूहा है, खरगोश है, ये उत्पादक के ऊपर निर्भर है घास के ऊपर। अब जो इनके ऊपर निर्भर है यानी कि बिल्ली है, कुत्ता है, भेड़िया है, ये खरगोश इनको खाता है। अब इनको खाने वाला ऊपर कौन है, शेर है, टाइगर है ना, वो इनको खाते हैं। तो क्या कर रहा है ये पोषण एक दूसरे पर, क्या है एक दूसरे पर, तो ये परपोषी है कि तुम हमें दिखो हम तुम्हें खाएं। तो ये जैसे लिखा गया है घास, घास को किसने खाया, खरगोश ने, और खरगोश को किसने खाया, भेड़िया ने,
और भेड़िए को किसने खाया? देखो इस तरीके से चल रहा है, घास को खा लिया खरगोश ने, खरगोश को खा लिया भेड़िए ने, और भेड़िए को खा लिया शेर ने। तो देखिए ये परपोषी हुए, इन्होंने अपना भोजन बनाया नहीं, ये किस पे निर्भर हो गए? इस पे, ये मिले हम खाएं हमारा पेट भरे। ये किस पे निर्भर थे? इस पे, ये मिले खरगोश मिले चूहा मिले बकरी मिले छोटा जानवर मिले हम खा ले हमारा पेट भर जाए। ये किस पे निर्भर थे? घास पे। और घास किस पे निर्भर है? किस पे है? सूर्य पे। ये अपना भोजन बना रही है, लेकिन ये सब अपना भोजन बना रहे हैं नहीं, तो ये सब क्या है? परपोषी। और ये क्या है? स्वपोषी। ठीक है, पोषण में लिख लेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, चाहे पता है ये, ठीक है मत लिखिए। चौथा है शारीरिक संगठन, चौथा है शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन, शारीरिक संगठन में लिखेंगे पादप, लिखना कुछ नहीं है, हम आपको बता दे रहे शारीरिक संगठन कैसा होता है कि पादपों में जंतुओं में अलग अलग प्रकार का शारीरिक संगठन होता है। पादपों में जंतुओं की अपेक्षा विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जो उनके शारीरिक संगठन को जंतुओं से अलग करते हैं। ठीक है, अब अगला है कार्यात्मक संगठन। अगला क्या है? कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक, कार्यात्मक संगठन, कार्यात्मक संगठन। ठीक है, अब कार्यात्मक संगठन कैसा है कि शारीरिक संगठन की तरह कार्यात्मक संगठन में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अमीबा है, मनुष्य में गमन के लिए पश्चपाद पाए जाते हैं, तो ये मनुष्य में पश्चपाद पाए गए यानी कि पैर हैं, तो ये कार्यात्मक कर रहे कि नहीं? हाथ है, हाथ से कार्य हो रहा है। और जानवरों में पैर हैं जिससे वे गमन कर रहा है, तो कार्य हो रहा है कि नहीं? इसीलिए कार्यात्मक संगठन। कुछ होते हैं अपनी जगह पर स्थिर पड़े रहते हैं तो वे कार्य नहीं करते, तो इनके आधार पर भी इनको अलग कर सकते हैं कि जो चल फिर सकते हैं उन्हें अलग करो, जो एक जगह पर बैठे हैं उन्हें अलग करो। तो इस प्रकार से हम इन्हें भी वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे वर्गीकरण का महत्व। हेडिंग डालिए वर्गीकरण का महत्व। वर्गीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण का महत्व क्या है, है ना? किस क्यों करते हैं वर्गीकरण, इसका महत्व क्या है, ये जानेंगे। वर्गीकरण का महत्व लिखेंगे, नंबर एक पॉइंट पे लिखेंगे, वर्गीकरण से संसार में उपस्थित, वर्गीकरण से संसार में उपस्थित असंख्य प्रकार के जीवों का अध्ययन, उपस्थित असंख्य प्रकार के जीवों का अध्ययन सरल व सुगम हो जाता है। वर्गीकरण से संसार में उपस्थित असंख्य प्रकार के जीवों का अध्ययन सरल व सुगम हो जाता है। नंबर सेकंड लिखेंगे, वर्गीकरण से जीवों के नामकरण में सहायता मिलती है। वर्गीकरण से जीवों के नामकरण में सहायता मिलती है। अब देखिए वर्गीकरण हमने लिख दिया, नाम इसका शेर खूंखार है टाइगर, तो ये देखिए हम सब जान गए, हमें सहायता मिल रही है, हम तुरंत उसे पहचान लिया, आसानी हो गई। तो वर्गीकरण से जीवों के नामकरण में सहायता मिलती है। अगला नंबर लिखेंगे, वर्गीकरण जीवों के विभिन्न वर्गों के, वर्गीकरण जीवों के विभिन्न वर्गों के संबंधों को समझने में सहायता करता है। वर्गीकरण जीवों के विभिन्न वर्गों के संबंधों को समझने में सहायता करता है। अगला पॉइंट,
वर्गीकरण के अध्ययन से, वर्गीकरण के अध्ययन से जीवों को समझने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वर्गीकरण के अध्ययन से जीवों को समझने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, ये था वर्गीकरण का महत्व। ठीक है, अब निकालेंगे। वर्गीकरण और जैव विकास, निकालिए वर्गीकरण और जैव विकास। वर्गीकरण और जैव विकास, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, लिखेंगे जीवों की शारीरिक संरचना में, जीवों की शारीरिक संरचना में ऐसे परिवर्तन होते हैं, जीवों की शारीरिक संरचना में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनका अस्तित्व बनाए रखना आवश्यक होता है। आवश्यक होता है संरचना में निरंतर परिवर्तन को ही, संरचना में होने वाले, संरचना में होने वाले निरंतर परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। तो आपने देखा होगा चाहे मनुष्य हो और चाहे जीव जो हो, सब में परिवर्तन होता कि नहीं। पहले मनुष्य कैसा था, जानवर जैसा था, आदि मानव था, और वो कैसा चलता था, जानवर जैसा झुका हुआ चलता था। फिर वो बंदर जैसा चलने लगा, बंदर जैसा चलता था, क्योंकि उसे अकल ही नहीं थी कि हमें चलना कैसे है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे कैसे चलते हैं, पहले बंदर जैसे चलते हैं, और अगर सब घर पे बंदर जैसे चल रहे हो तो वो बड़ा होगा तो वही बंदर जैसे चलेगा, है ना। अगर किसी को जानवरों के साथ रखा जाए, जैसे पिक्चरों में आपने देखा होगा कि टार्जन है और तो वह जानवरों के साथ रहते हैं तो जानवर जैसी भाषा सीख जाते हैं वो करना है, और जानवर जैसे चलता है तो जानवरों वाली चीज़ें खाता है और जीवित भी रहता है, क्योंकि उसकी पाचन क्रिया भी वैसी हो जाती है। जैसे कुछ लोग कहते नहीं है कि देखो घर पे कितने अच्छे ढंग से बच्चे को रखा जाता है, फिर भी बच्चा बीमार हो जाता है, बाहर देखो बच्चे सड़क पे खेल रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो क्या हुआ, उन पे एनवायरमेंट का असर हो चुका है, वो उसके अनुसार ढल चुके हैं, है ना, वर्गीकृत हो चुके हैं। और उनके अगर जैसे अमेरिके के व्यक्ति को यहाँ गर्मी में रख दिया जाए तो रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, क्योंकि उनके अनुकूल नहीं है मौसम। और हम देखते हैं कि परिवर्तन तो जब से क्या हो रहा है, परिवर्तन होता चला रहा है। पहले छाप लोग पेड़ की क्या करते थे, पहले पहनते ही नहीं थे कपड़े, ऐसे घूमते रहते थे, फिर पेड़ की छाल पहनने लगे, पत्तियों से अपना शरीर ढांकने लगे, फिर कुर्ता पहनने लगे। अब तो फैशन ही बदल चुका है, कितना परिवर्तन होता जा रहा है। तो यही सब क्या कहला रहा है, जैव विकास, विकास हो रहा है। यानी कि जैव, जैव क्या है, जीव जंतु है, और इनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन, विकास हो रहा है कि नहीं। तो ये परिवर्तन सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पहले गाय तो वैसी जैसे पहले दिखती थी आज भी, लेकिन उसमें भी परिवर्तन है देखने में पहले कि अब गाय में परिवर्तन है कि नहीं, जानवरों में, मनुष्यों में परिवर्तन है कि नहीं।
लिखिए, अगली लाइन से लिखेंगे 1859 में, यानी कि 1859 में, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने, 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक, चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास को बताया, स्पीसीज में जैव विकास को बताया। कि कुछ जीव समूहों की बनावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पहले गाय थी, आज वैसी ही गाय है, बदली गाय नहीं। तो कुछ जीव समूहों की शारीरिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन्हें आदिम जीव कहलाते हैं, इन्हें आदिम जीव कहलाते हैं। तथा कुछ जीवों के शरीर में विशिष्ट परिवर्तन हुए जिन्हें विकसित व उच्च जीव कहा गया। जीव कहा गया। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको वर्गीकरण एवं जैव विकास क्या है। चलिए अब अगली हम लिखेंगे, समस्त जीवों के पांच जगत। हेडिंग डालो, समस्त जीवों के पांच जगत, समस्त जीवों के पांच जगत। देखिए, समस्त जीवों को पांच जगत में हमने क्या कर दिया, वर्गीकृत कर दिया। एक, समस्त जीवों को पांच जगत में हमने वर्गीकृत कर दिया। लिखिए इसमें के अंतर्गत लिखेंगे, अर्नेस्ट वैज्ञानिक का नाम है, अर्नेस्ट हीगेल रॉबर्ट हिटेकर और कार्ल बोस नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत के बड़े वर्गों में, जगत के बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया। जीवाणुओं तथा नीली हरी शैवाल आदि। इनमें से कुछ समूह मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई पादप जंतु आदि हैं।